हेलो गाइस टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे गाइस आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको वो कौन सी खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे ये एक जनरल रीडिंग है गाइस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा बाकी को जाने दीजिएगा तो देखते हैं आपको वो कौन सी खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे जिसके लिए आपने मिन्नतें की थी प्रार्थनाएं की थी ये एक टाइमलेस स्ट्रीडिंग है गाइस आप जब भी, भी इसे इस देखोगे ये आपको हेल्प करेगी ओके okay. okay. देखो गाइस यहाँ पर सबसे पहले किसी के किसी की खुशी क्या है जिसके लिए आप तरस गए थे कि मुझे मन का सुकून चाहिए मुझे दुविधाएं नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा दुविधाओं में रहता है कि मालिक ये क्यों होता है लाइफ में कि जब कभी भी कोई भी फैसला लेना होता है या किसी भी इंसान के बारे में कि ये इंसान सही है या गलत ला है उसको लेकर मुझे दुविधाएं क्यों होती है दुविधाओं से कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी भी बात में एक क्लैरिटी नहीं मिलती दिमाग उलझा हुआ रहता है उलझा हुआ क्यों रहे एक कोई फैसला क्यों नहीं ले सकता या कोई एक निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच सकता मतलब आपको ना ऑप्शन बहुत नजर आते हैं और ज़्यादातर आपके दिमाग में यही रहता है कि आप जिस किसी भी ऑप्शन का कर चयन करते हो ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो जाता है या कहीं ना कहीं आपको भटका भटकाने की स्थितियां क्रिएट करता है मतलब यहाँ पर क्या कहा जाता है किसी का उलझा हुआ दिमाग जो नहीं चाहता कि भटकने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो आप किसी बात पर फोकस करना चाहते हो गाइस कि मेरा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा कोई काम है ना तो मेरा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए और बाकी इर्द गिर्द में कोई भी चीजें कितने भी ऑप्शन आ जाए कितनी भी दुविधाएं हो जाए मुझे किसी से लेना देना नहीं मेरा ध्यान उस बात पर होना चाहिए मेरे काम पर होना चाहिए मतलब आप किसी या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अपनी लाइफ का कोई बड़ा काम है उसको लेकर बहुत ईमानदार हो इस और उसे आप पूरा करना चाहते हो लेकिन उसे पूरा करने से पहले काफ़ी सारे ऑप्शन आपके बीच में आ जाते हैं या भटकाने वाली स्थितियाँ या कुछ उलझने देने वाली परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बन रही है या इर्द गिर्द का वातावरण ऐसा बन रहा है जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मालिक मुझे ये दुविधा ख़त्म करो मेरी ये दुविधा ख़त्म करो आपके साथ क्या होता है पता है चाहे कोई स्थिति हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो उनके बारे में पहली बार में जो आपके विचार आता है ना वो सत्य होता है लेकिन होता क्या है कि पहली बार में जो विचार आएगा ना वो होता तो सत्य है बिल्कुल आपकी इंट्यूशन जो है ना वो किसी के बारे में स्पष्ट और क्लियर आपको क्लैरिटी दे देती है है ना लेकिन थोड़े टाइम बाद में आपको भटकाव हो जाता है चाहे कोई इंसान आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे या परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि उस इंसान को लेकर आपको लगता है कि पहले मैंने गलत सोचा ये इंसान ऐसा नहीं है है ना वो फिर भटकाव वाली वो फिर उलझने वाली सिचुएशन बनती है फिर कहीं बहुत टाइम निकलता है जब आपका आपको पता चलता है कि इंसान बुरा है है ना या कुछ ना कुछ उन्होंने आपके आपके साथ मिसयूज़ कर लिया होता है उसके बाद में कहीं जाकर आपको आवास होता है ये इंसान तो बहुत गलत है इनके बारे में पहली बार मेरा जो ख्याल आया था ना वही सत्य है और ये कईयों बार आपके साथ हुआ है कईयों बार आपके साथ हुआ है किसी फैसले को लेकर भी कि पहली बार में मेरा फैसला सही था है ना देखो मैं एक बात कहू ये मैं अच्छे से भली भांति बात समझ गई कि ये आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है है ना आपके दिमाग को उलझाने वाले जैसे आपको यहाँ पहुंचना है लेकिन परिस्थितियां क्या बनेगी कि इसी रास्ते से आपको भटका दिया जाए इससे आपको बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाया जाए ऐसे भटकाने वाली परिस्थितियां आपके साथ होती है।, है ना यहां मैं एक बात कहूं सबसे पहले आपको इससे छुटकारा मिलना यहां तो आपका डिवाइन टाइम चल ही रहा है इसकी आपको इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए कितने सालों से भुगत रहे हो इस बात को लेकर है ना कि लोग अब मतलब कहीं कही ना कहीं आपको लेकर एक वो भी बात उठाने लगे कि इन्हें कोई फैसला लेना नहीं आता इस चीज को लेकर आपकी वैल्यू कम होती जा रही है लोगों के सामने अपनों के सामने भी चाहे आप अपने घर में बड़े भी होना तब भी ये बात को लेकर कहीं ना कहीं आपको साथ कम मिलता है आप या आपकी बात को उतना गौर से नहीं सुना जा रहा है और आपको लगता है मेरी गलती नहीं है और कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरे साथ ये खुद ब खुद हो रहा है ये मैं जानकर नहीं कर रही मैं जानकर नहीं कर रहा मतलब आपकी आंखें पता है किसी को क्या कहती है कि मतलब मेरे शब्दों के कभी कभी आपके साथ ये भी होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो और आपके मन में कुछ होता है और वहां परिस्थितियां आपके विरुद्ध में चली जाती है और सामने वाला आपको गलत समझ लेता है और फिर आप को पता है कि आपने ये जानकर नहीं क्या हो सकता है कि आपके भावों के बिल्कुल विपरीत शब्द आपके कभी कभी निकल जाते हैं जिन्हें आप रोकने की कोशिश करते हो गाय और रोक भी नहीं पाते मतलब वो परिस्थितियां जानकर नहीं लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी घटित होती है जहां पर सामने वाला इंसान आपके बारे में गलत सोचे और आपको भी पता है कि आपके अगर वो शब्द जैसे आपके मुंह से निकले हैं या आपके वजह से कोई गलत फहमिया क्रिएट हुई है अगर सामने वाले इंसान के थ्रू होती तो आपको भी होती वो गलत फहमिया आप इस बात को मानते हो लेकिन आप इस सिचुएशन को दोष दे रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है है ना कि ऐसा माहौल ही क्यों क्रिएट हो रहा है तो आप उम्मीद करते हो कि कोई मेरे शब्दों पर ना जाकर मेरे भावों पर जाए ये कितना किसी के साथ उलझा हुआ सिचुएशन चल रही है का इस सिचुएशन का अंत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको नंबर टू टू नजर आ रहा होगा जो कहता है कि ये जो मानसिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी ना गाइस हो सकता है कि कोई ग्राह का आप पर चल रहा है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान है ना तो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है यहां मैं एक बात कहूंगी गाइस पहली बात तो ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है और दूसरी तरफ अगर आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहते हो कि इस उलझन से आप जल्दी से जल्दी बाहर आओ तो आप गणेश जी की पूजा बहुत करो गाइस, और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि ये मेरी दुविधाएं जो है ना ये खत्म करो और मुझे मानसिक शांति दो है ना और एक काम और करना है कि तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना वो आपको लेना है गाइस ये बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि अम जैसे होता है ना कि आप ठीक है जरिए आप ही की इमेज जो है वो बाहर गलत जा रही है अपनों के सामने भी गलत जा रहे है रिश्ते भी खराब हो रहे हैं है ना जो आप जानकर नहीं कर रहे मुझे पता है तो वहां इस चीज का समाधान होना जरूरी है ठीक है तो सबसे पहली खुशी आपकी क्या आप किन उलझनों से आप बाहर आ जाओ ठीक है ना ये पूरी हो रही है कायज ठीक है दुविधाएं आपकी खत्म हो रही है और आपको मिल रहा है मालिक का साथ कोई प्रेयर कर रहा है कि मालिक मुझे ना आपका साथ चाहिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो वहां पर आपको साथ चाहिए गाइस चमत्कार चाहिए और वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है ठीक है ओके पावर में आना चाहते हो गाइस आप पावर में आना चाहते हो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो कुछ तो विशेष है गाइज आपकी लाइफ में हु? ओके नंबर टू मैंने कहा ना गाय देखो आप बिल्कुल उधर ही पहुंच रहे हो गैस जहां पर आपकी खुशी ये आपका वेट कर रही है जिस खुशी के लिए आप तरस गए थे ना अब ज्यादा समय नहीं है आपके कदम उस और बढ़ चुके हैं गैस और ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलेगी देखना ये खुशी पता है कब मिलने लिखी हुई थी कि जब आपको लगे ना कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी शेष नहीं रहा है ठीक है तब ये खुशी जाकर आपको कहता ना फुलफिल करेगी आपको फिर से जिंदा करेगी क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन का बनना लिखा हुआ था जो फेटेड थी कि एक बार आपकी लाइफ में आप उस स्थिति पर आ जाओ जहाँ पर आपको लगे सब कुछ ख़त्म हो गया आपके पास कुछ भी नहीं है मतलब न केवल ये मैं पैसों के आधार पर बात कर रही हूँ एक कहता ना इमोशनली या किसी भी तरीके से किसी इंसान का अकेलापन खुद के अंदर इतना ज़्यादा होना या इतना ज़्यादा परेशान होना किसी सिचुएशन को लेकर वहाँ पर उस वक्त आपकी कोई ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो जाना जो आपके लिए बिल्कुल आ, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाए आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद कर दे हीलिंग एक्चुअल में कह सकते हैं गाइस कि ये वो खुशी है जिसके लिए आप तरस गए थे ना ये इस समय में आपके लिए हीलिंग का काम करेगी क्योंकि यही सही समय है क्योंकि आपको घाव बहुत लगे हुए हैं और आपको हीलिंग चाहिए और आप ऐसे हील नहीं हो सकते आपकी हीलिंग अलग होगी गाइस क्योंकि आपने तकलीफें एक अलग ही लेवल पर भोगी है ठीक है तो ये जो खुशी जिसके लिए आप तरस गए थे ना ये अब जो आपको मिलेगी ना तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर से जिंदा करने में आपकी मदद करेगी ये आपका साथ देगी गाइस और तब आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सही समय पर मुझे मिली है इसी टाइम पर मुझे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी हुं? तो आपके पास सबसे पहले मैं कह दूँ कि यह तो बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से बेस्ट का चयन करने की क्षमता समझ और बुद्धि आप में होगी जहाँ आपको दुविधा नहीं होगी ठीक है क्यों एक आप अपनी तरफ से प्रयास करोगे जो बताया कि गणेश जी की पूजा करनी है ठीक है उनको कहना है कि मुझे चतुराई दो मेरी दुविधाओं को ख़त्म करो ठीक और दूसरा तुलसी के पत्ते लेना है आपको ठीक है ना इससे आपकी जो भी परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी और साथ में मालिक आपका साथ दे ही रहे तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई ऑफर आएगा ना उसका भरपूर फायदा उठा पाओगे जो आगे चलकर आपको पावर में लेकर आएगी ठीक है ना अब के रास्ते खुल रहे हैं गाय साहब के यानी अगर मान लो कि फिनेंशियल मैटर को लेकर अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है ना तो उसका भरपूर फायदा उठाना है ना उसमें अपनी दिमाग इतना अच्छे से काम में लेना कि उसमें सफलता आपको जल्दी मिले ये देखो सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हो कि इतनी सारी असफलता झेलने के बाद में सफलता अभी तक नहीं मिली सफलता अब मिलेगी गाय है ना और हेल्प भी मिलेगी आपको डिवाइन की और लोगों की भी मिलेगी है ना लोगों की भी मिलेगी अच्छे लोग होंगे अच्छे लोग मिलेंगे आपको जो आपकी मदद कर पाए विश पूरी होगी कहा ना कोई ख्वाहिश है आपकी गाइस अधूरी ख्वाहिश है कोई वो पूरी होगी जैक की तरह ये यही समय था गाइस इसको मिलना क्योंकि अब ये मिलेगी ना इसकी वैल्यू आपकी नज़रों में कितनी होगी आपकी लाइफ में कितनी होगी ये कितने हिस्सों को प्रभावित करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है हम्म ये एक्चुअल में ये थी आप ही के नसीब में गाइस लेकिन ये पोस्टपोन होती गई मुझे ऐसा लगता है और इससे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अब ये मिलेगी ना इसकी खुशबू जो कहता है ना गाइस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ये कोई खुशी इतनी बड़ी आपकी और ये खुशी मिलने से पहले कोई प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी क्योंकि ये कहता ना कि खुशी बड़ी खुशी के साथ आपकी लाइफ में आना चाहती है सच में गैस ये आप लिख कर रखोगे कि मालिक ये क्या चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में कुछ होगा ना तो गैस बहुत बड़ा होगा देखना जैकपॉट की तरह होगा कुछ इमोशंस को फुलफिल करने वाली इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है गैस अभी आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है है ना अगर उसको लेकर के मालिक ये तो पोस्टपोन पर पोस्टपोन हो रही है ये पता नहीं ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी है ना इसका तो रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा या कोई सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कब होगी कब ख़त्म होगी इसने तो पूरी तरीके से उलझा दिया दिमाग को और लाइफ को कोई रास्ता तो दिखे ये प्रॉब्लम हंड्रेड एंड वन परसेंट जो कोई भी चल रही है है ना कितनी भी इम्पॉसिबल लग रही है ये इस तरीके से ख़त्म होगी आपने वाकई में नहीं सोचा है गाइस और जितनी ये दुविधा दे दी है ना एक पल नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने के लिए कोई भी हो अगर कोई बाहरी इंसान है वो परेशान कर रहा है या आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई परेशान कर रहा है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है यहाँ प्रार्थना ही चल रही है किसी के कंटिन्यू में इवन रात को उठते हैं ना तब भी उठ उठने पर एक बार प्रार्थना तो फिर से कर ही लेते हो डिवाइन टाइम चल रहा है गैस द वेटिंग गेम है ना और ये ये पूरा हो रहा है किसी का इंतज़ार पूरा हो रहा है कि मालिक बहुत इंतज़ार कर ले अब मेरी इच्छाओं को पूरा करो है ना ये बिल्कुल होने वाला है कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर ना रहूं मुझे खुद इतना काबिल बना दो मालिक कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर पाऊं और और लोगों की भी हेल्प कर पाऊं या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व मैं अच्छे से निभा पाऊं तो इतना काबिल मुझे खुद बना दो ना मालिक मतलब तो पावर में आना चाहता है जैसे मैंने कहा ना तो अबंडेंस के लिए आपका दिमाग खुद जो है ना आपको उस और लेकर जा रहा है गाइस ये जैसे जैसे आपके दिमाग में विचार आ रहा है अगर अभी आ रहा है ना तो इसे परेशान मत हो ये आपके सामने खुद आपकी एनर्जी से क्योंकि आप इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे आप बोल बोलकर अफर्म करने की कोशिश करोगे जाने अनजाने में या कर रहे हो है ना कि मुझे काबिल बनना है मुझे सफलता प्राप्त करनी मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है ये एनर्जी शब्दों के थ्रू आपकी जो यहाँ पर आपके विरुद्ध में काम कर रही थी ना अब आगे आपके पक्ष में काम करेगी अब आगे, आगे आपके पक्ष में काम करेगी कि आप अपनी उस एनर्जी के आधार पर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर लो जो आगे चलकर आपको सफलता दे रहा है क्योंकि ये बार बार आपके दिमाग में चलेगा ना मुझे कुछ करना है मुझे कुछ काबिल बनना है तो उसके लिए रास्ते अपने आप ओपन होंगे गाइस जब आप अपनी एनर्जी से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे टेस्ट आपके लिए देखो ऑप्शन लेकर आती है और उनमें से एक बेस्ट का कर चयन करके चूज बेस्ट का कर चयन करके आप आगे बढ़ जाओगे हुँ? आप अपने जो आप विश्वास में जो आत्मविश्वास में कमी है ना उससे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे गाइस मतलब एक जोन से बाहर भी जाओगे आप, आप कुछ ऐसा काम भी करोगे आने वाले समय में जिनके बारे में अभी आपको लगता है ना कि ये तो मेरे जोन का नहीं है मुझसे तो होगा नहीं ये जोन किस तरीके से पार करके आप कोई काम करते हो वो देखना हुँ? सफलता आप बहुत बड़ी पाओगे गाइस देखना ओके कोई प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हो उसको लेकर बहुत ज्यादा दुख है गाय ये कोई हो सकता है परिवार का मसला है कोई मैनेज का मसला है या कोई फाइनेंशियल मैटर उसको लेकर यहां पर भी प्रेयर बहुत चल रही है कि क्या मान ली कि प्रॉब्लम खत्म होगी क्या हा? मैं बताऊं हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम खत्म होगी बिल्कुल सही राह पर हो किसी बात का गिल्ट मत करना कुछ भी ज़्यादा सोच विचार करने की ओवर थिंकिंग करने की कोशिश मत करना है ना बार बार जगह जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप परेशान होकर बहुत पता नहीं क्या क्या उपाय करने की कोशिश करो एक के ऊपर एक कोई उपाय करने की कोशिश करो रिलैक्स हो जाओ गाइस बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचो बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करो वर्तमान के बारे में सोचो कि मैं मेरे दिमाग को कैसे शांत रखूँ आपने अगर दिल से एक बार भी प्रेयर कर लेना कि मालिक मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है उसके लिए आपको उलझने की या आप सोचते हो कि मैं इस दर पर भी जाकर आऊँ इस दर पर भी जाकर आऊँ तब कहीं जाकर भगवान मानेंगे ऐसा नहीं है या ऐसा सोचते हो कि मैं कंटिन्यू में कईयों घंटे तक अगर बैठकर प्रार्थना करो या मैनिफेस्टेशन करो बार 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 लगातार तो ये मेरा काम बन जाएगा या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी ये तो आप अपने दिमाग को उलझा रहे होगा मालिक कभी किसी इंसान को उलझने के लिए थोड़े ना कहते हैं वो कहते हैं कि अपने समय का इस तरीके से सदुपयोग करो कि आप मालिक पर मालिक के लिए प्रार्थना करो उसके लिए भी समय निकाल पाओ और अपनी लाइफ के जो और कर्तव्य है खुद को लेकर अपनी फैमिली को लेकर अपने काम को लेकर अपनी जीविकोपार्जन को, को लेकर सब पर ध्यान केंद्रित करो ये लाइफ का बैलेंस है गाइस इसको समझो है ना अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी खत्म हो जानी है वो डेफिनेटली होनी है उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो गाइस कैसे समझाऊं मैं आपको ये प्रॉब्लम खत्म होगी तब ही आपकी कोई विश पूरी होगी मतलब क्या है आपके भाग्य में डिवाइन चाहते हैं कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए जिसके लिए बहुत तरस हो और वो मिलेगी ना तभी आप में प्राण आएंगे है ना तभी आपकी आपको लगेगा कि मैं जीवित हूँ मेरी खुशी मुझे ये मिलनी चाहिए उससे पहले आपको ये आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होगी और अबरनस आपको भरपूर मिलेगी गाइस आपको इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिलेगा और अबरनस भी आपको खूब मिलेगी एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जहां पर ब्रेक थ्रू ही मिलेगा जैसे कहता है ना कि गोल्डन टाइम आना या फिर किसी के लिए राजयोग जैसा बनना है ना या गज केशरी योग बनना कुछ ना कुछ कोई संजोग कोई ग्रहों का अच्छा आपके लाइफ में बनने वाला है जो बिल्कुल आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा गाइस अभी कह रहे हो ना कि तरस गए थे या ऐसा सोच रहे हो ना तरस गए थे ये किस तरीके से आपकी परिस्थितियां बदलती है जैसे ये जैकपॉट जैसा कि ग्रहों की दशाएं कुछ ऐसी बन जाती है ग्रहों का संजोग कुछ ऐसा बन जाता है जो राजयोग गज केसरी योग या कुछ ऐसा योग बना देते हैं गाय जो हमारे लिए बहुत प्रभावशाली होता है हमारे लाइफ को बदलने वाला होता है और ये हर किसी को तो पता होता नहीं गाय किसी आ, मतलब कहते हैं ना कि समय का इस वजह से सदुपयोग करना चाहिए हर कोई इंसान को कुंडली देखना तो आता नहीं है ना तो उनको कैसे पता कि उनके जीवन में क्या संजोग चल रहा है नहीं चल रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी जब कभी भी आए ना उसे चूकना नहीं चाहिए उसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए और समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि कब ऐसे संजोग बने है ना पता नहीं होता है ना तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा संजोग बनेगा बनने वाला है जो आपके लिए जैकपोर्ट से कम ना हो अगर आपको फोर फाइव सिक्स जैसा मैंने पहले भी बताया ये ये नंबर सेवन एट सिक्स ये नंबर दिख रहा है ठीक है और यहाँ फिर आपके यहाँ पर है ना ऐसे खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है ना खड़ी रेखाएं यहाँ पर है ना तो समझ लेना गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पल बनेगा ही बनेगा कुछ ऐसा समय बनेगा गाइस ग्रहों का जो आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आएगा आप शायद अपने जान पहचान में या जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द में है ना उनसे कहीं आगे बढ़ोगेगा इस लाइफ में भले अभी आप उनसे पीछे हुए पीछे हो है ना आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हो लेकिन एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आएगा डिवाइन टाइम आपका ऐसा आएगा फेटेड मैंने कहा ना द वेटिंग गेम कार्ड्स को समझने की कोशिश करो किस तरीके से आपके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा वेटिंग गेम चल रहा है जो एक फेटेड चीज के लिए रुका है और जब वो समय आ जाएगा ना तब देखना आपकी लाइफ में कितने बड़े बदलाव होते हैं बड़े बड़े ही बदलाव होंगे देखना okay. ओके नंबर नाइन नाइन कहा ना कोई प्रॉब्लम के ख़त्म होने की प्रेयर कर रहे हो चाहते हो कि मालिक एक नई शुरुआत हो जाए किसी मामले में विक्ट्री चाहते हो है ना कुछ बड़े चेंजेस चाहते हो आप खुद भी चाहते हो गाइस ठीक है होगा और साथ में क्या होगा कि इस तरीके से आप किसी सिचुएशन से या अपने डर से बाहर आने वाले हो किसी प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव जाएगा गाइस मतलब किसी की तकलीफ़ों ने उनकी एनर्जी को डेवलप करने में बहुत मदद कर दी है आपको नंबर नाइन 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 ट्रिपल नाइन आपको नज़र आ रहे होंगे ट्रिपल सिक्स नज़र आ रहे होंगे टेन टेन की एनर्जी नज़र आ रही होगी टू टू नजर आ रहे होंगे ठीक है ना ये सब चीज़ें और कहीं ना कहीं अगर पर्पल -पर कलर आपको नज़र आता है गाइस मानकर चलो मानकर चलो कि आपकी लाइफ का वो डिवाइन टाइम आ चुका है जब आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाए इसके बारे में कुछ परिस्थितियाँ बनने वाली हैं मालिक की ब्लैसिंग आपको इस कदर मिलने वाली है गाइस तो ख्वाहिशें डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है आप चाहते हो अपनी लाइफ में जस्टिस के मालिक मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस चाहिए ठीक है विक्ट्री मिलनी चाहिए कोई हो सकता है आपके आ� वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कोई आपको परेशान कर रहा है या आपकी लाइफ में कोई और इंसान है वो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है ठीक है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी आप अपनी पावर में आओगे और आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़ेगा क्योंकि ये विक्ट्री आपको मिलेगी ही इस कदर है ना और ये सक्सेस जैसा मैंने कहा ना गैस यहाँ पर देखो कि आपकी मेटेरियड लाइफ जो है ना इतनी अच्छी होगी गैस वाकई में आगे चलकर शायद आप वेल्दी मैन बनना चाहते हो वेल्दी वुमन बनना चाहते हो तो आगे चलकर बिल्कुल आपके लिए आपका बागी ये सब कुछ लेकर आ रहा है है ना कि आप लग्जरी लाइफ जियो आप खुश रह पाओ आपके पास किसी चीज़ का अभाव ना हो आपने हो सकता है कि अपनी लाइफ में देखे हैं गैस आर्थिक तंगी के चलते आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा लेकिन आने वाला समय आपको मेटीरियल लाइफ इतनी अच्छी दे रहा है गाइस आपके अबंडेंस और ब्रेकथ्रू के रास्ते ऐसे खोल रहा है कि जहां पर आप अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर पाओ है ना आपको खुशी मिल पाए और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस और ये नई शुरुआत आपको आगे बढ़ाने में और आपकी लाइफ में आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत मदद मदद करेगी ठीक है तो डेफिनेटली गाइस आपकी जस्टिस को लेकर आपकी दुविधाओं को लेकर कि भाई आपकी दुविधाएं ख़त्म हो जाए आप निष्कर्ष आराम से निकाल पाओ आप निर्णय फैसले अच्छे से ले पाओ ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस और एक हार्ट चक्र आपका ओपन होने वाला है कि आपको लोगों पर बिलीव हो पाए अब ये सिचुएशन जो है ना कि वापस से आपका लोगों पर ट्रस्ट जगना है ना ये बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनेगी जिससे आपका विश्वास फिर से लोगों पर बनेगा ठीक है ना जी फाइव सिक्स सेवन मैंने कहा ना कि फोर फाइव सिक्स सेवन एट सिक्स या इस तरीके के क्रम के नंबर अब ये देखो ये मैं शफल कर रही थी और मेरा ध्यान अचानक से गया कि ये जब बढ़ते क्रम में है ना अगर आपको नंबर नज़र आते न केवल ये जो मैंने नंबर बताए इसके अलावा वन टू थ्री टू थ्री फोर ठीक है ऐसा कुछ भी नंबर नज़र आता है ना तब मानकर चलना कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कभी ना कभी एक ऐसा समय गोल्डन टाइम बनेगा ही बनेगा गाइस जो वाकई में आपकी तरक्की के लिए आपको लाइफ में प्रोस्पेरिटी देने के लिए है ना बहुत सार्थक साबित होगा देख लेना किसी भी रूप में हो सकता है ये मालिक की हेल्प जो है ना, किसी भी रूप में आपको मिल सकती है बस अपने डर से बाहर आने की कोशिश करना गायस कि जब कभी भी लाइफ में मौका आए ना ठीक है तो अपने डर से आगे बढ़ने की कोशिश करना डर दर को डराने की कोशिश करना जिसमें क्या होगा पता है आपको मेहनत कम देनी पड़ेगी सफलता शीघ्र मिलेगी आपको ठीक है ग्रेटिट्यूड कहा ना कि यहाँ पर आपके कुछ इतने तरस गए और इतना तरसने के बाद में होता ना कि आप कोई विश की प्राप्ति होना अब कोई इच्छाएं पूरी होना तब कितना ग्रेटिट्यूड आता है मन में कि धन्यवाद मालिक मैंने जो जो चाहा था मुझे वो सब कुछ मिला देखो यहाँ पर भी शंख की एनर्जी और यहाँ पर बिगुल बसता हुआ विक्ट्री का है ना तो बिल्कुल गाइस जीत आपको किसी मामले को लेकर डेफिनेटली अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है ना उसमें भी आपकी जीत पक्की है गाइस उसमें भी आपके साथ न्याय होगा ठीक है खुशी के लिए तरस रहे होना कि कोई खुशी मिले गाइस ये वाकई में ऐसी खुशी मिलने वाली है जो और खुशियों के रास्ते आपके लाइफ में ओपन कर दे कि मालिक मैंने इतनी सफलता की है इतनी खुशियों की उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे मिला इमोशनली फुलफिलमेंट आपको बहुत मिलेगा आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा गैस देखना अपने समाज से भी अपने लोगों से भी आपको बहुत प्रशंसाएं सुनने को मिलेगी एप्रिशिएशन बहुत सुनने को मिलेगा अभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी के आ, मतलब कहते हैं ना स्किन के और शरीर के हाल कुछ दुख तकलीफ़ों को झेलते झेलते ऐसे हो गए हैं कि खुद पर से ना आत्मविश्वास टूटता जा रहा है आने वाले समय में आपके चेहरे का निखार आकर्षण की क्षमता इतनी अच्छी होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे गैस आने वाले समय में आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ओके। okay. मनी ये देखो मैंने कहा ना मनी के रास्ते खुल रहे हैं पैसों को लेकर कभी कोई चिंता ही नहीं सताएगी आपको आप अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे देखना भविष्य में आपके पास एक कोई पेट भी होगा आपकी इच्छा होगी कि मैं अपने पास एक डॉगी रखूं या किसी जीव को पालने की इच्छा है आपके आपके मन में है ना ये सब आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आपको वो रास्ते मिलेंगे गाय जिससे आप अब प्राप्त कर पाओ अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर पाओ। ओके यूनिकॉर्न इनवाइट सरेंडर सरेंडरप्रिटी ओके गाइस देखो अभी भी आपके मन में ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो खत्म नहीं हो रही है आपको उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है यूनिवर्स आपको यही कहते हैं मालिक आपको यही कहते हैं कि आप मालिक को सरेंडर कर दो है ना मालिक आपकी लाइफ के सारे बोझ जो है ना वो खुद पर ले रहे हैं ठीक है आपकी लाइफ के सारे मामलों पर उनका हस्तक्षेप चलेगा उनका नियंत्रण चलेगा आप बस मालिक को सरेंडर कर दो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है गाय जो हमारे बस की नहीं होती है ना हमें उन चीज़ों को समझना पड़ता है और वहाँ पर बार बार प्रयास करके उलझने से अच्छा है कि वो मालिक को सुपुर्द कर दे जाए यहाँ पर मालिक आपसे यही कहते हैं कि आपने अगर मालिक को सौंप दिया है ठीक है तो अब आपको पीछे पलटकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको बस मालिक की तरफ से जो आपके लिए एक्शन लिया जाता है मालिक की तरफ से आपके लिए जो फैसले लिए जाते हैं ना उसके परिणामों की तरफ ध्यान रखना है है ना आपको ये सोच विचार नहीं करना उनको कोई रास्ता नहीं दिखाना कि मालिक मेरे इस तरीके से कोई प्रॉब्लम खत्म करो हमसे बेहतर हमारे बारे में मालिक जानते हैं ये बात हमें याद रखनी होगी है ना जी अपॉर्चुनिटी नॉक्स कहाँ ना खूब सारी अपॉर्चुनिटी आएगी का मनी बनाने के लिए या आपके इमोशंस को फुलफिल करने के लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहाने बनेंगे का आपके देखना कि अब आपको जैसे डेस्टनी कह जाती है कि आपको हील करना तो आपको विक्ट्री दिलाकर आपको सक्सेस दिलाकर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन लेकर आकर जिससे आप धन्यवाद मालिक धन्यवाद मालिक धन्यवाद मालिक मेरी लाइफ में ये भी अच्छा करने के लिए मतलब सच कहो ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग पर इतनी हावी हो गई है कि उसको लेकर डर बहुत ज़्यादा है आपके मन में कि मालिक ये प्रॉब्लम पता नहीं कब ख़त्म होगी कैसे ख़त्म होगी प्लीज़ ध्यान रख लेना मेरी लाज रख लेना कुछ ऐसा आप प्रेयर पर प्रेयर प्रेयर पर प्रेयर करते जा रहे हो ये प्रॉब्लम इस तरीके से ख़त्म होगी कि आप कहोगे मालिक इस आसान तरीके से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी मैंने नहीं सोचा था कहता ना कि कभी कभी किसी परिस्थिति के बहुत बुरे बिगड़ने के हालात बन जाते हैं लेकिन वो इतनी शांतिपूर्वक तरीके से उसका सॉल्यूशन हो जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया है ना बिल्कुल कुछ वैसा और ये मालिक के लिए पॉसिबल है आने वाले समय में कितना धन्यवाद करते हो ना चौबीस घंटे आपके लिए कम पड़ेंगे मालिक धन्यवाद मेरी लाइफ में ये अच्छा करने के लिए मालिक धन्यवाद मेरी लाइफ में ये अच्छा करने के लिए मित्र चाहिए आपको कि मालिक अभी तक में कोई अच्छा मित्र नहीं मिला है है ना कोई ऐसा मित्र हो जहाँ पर मैं अपनी तकलीफ हो कोई अच्छी बात हो शेयर कर पाऊँ जहाँ मुझे भी लगे कि मेरा कोई सखा है कोई सखी है है ना कोई मित्र है मेरा अच्छी दोस्त मिले नहीं है आपको या मिले हैं तो ठीक है लेकिन आपके मिसयूज करने वाले या मिसयूज नहीं करते है, तो एक कहते हैं ना प्रगाढ़ता चाहिए आपको रिश्तों में भी और फ्रेंडशिप में भी वो मिलेगी आपको हम्म ये बच्चों की मुराद है किसी को है ना एक तो संतान से संबंधित कोई परेशानी खत्म करना चाहता है हो सकता है कि आ, कोई प्रॉब्लम है या तो आपके बच्चे की तबीयत को लेकर कोई दिक्कत है ठीक है वो ठीक हो जानी है परेशान मत हो ठीक है और या फिर आप मातृत्व का सुख चाहते हो ये डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर सपने में लॉयन दिख रहा है या फिर बच्ची दिख रही है तो मान लो का डेफिनेटली कि ये ख्वाहिश जिसके लिए तरस गए थे ना मालिक की रहमत हो चुकी है ठीक है वो तो मिलकर रहेगी खुशी ठीक है ना मेरी भी प्रय है कि आपको ये सुख जो है ना मातृत्व का सुख जल्द से जल्द मिले ठीक है ना हमें प्रेयर खाली नहीं जाती है ये याद रखना गो तो फ्लो ये देखो मेरे कल मालिक मेरे कल चाहिए हमें तो मेरे कल चाहिए हमें क्लैरिटी चाहिए किसी बात को लेकर देखो यहाँ पर क्या वेकेशन पर रहो आप अपनी तरफ से फ्री हो जाओ कि वेकेशन पर रहो मतलब क्या है कि आप फ्री हो जाओ अपनी चिंताओं की पोटली जो है ना मालिक खुद कह रहे हैं कि मालिक को सौंप दो ठीक है आप बस मेरे कल का वेट करो जिस तरीके से मालिक कहता है ना चलते चलो कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ओवर थिंकिंग करने की कोशिश मत करो आगे चलकर आपको मेरे कल होकर रहेगा आपकी लाइफ में मेरे कल होकर रहेगा बिल्कुल अपने दिल को खुला रखो गाइस क्योंकि आपको हील करना है तो मेरे होकर रहेगा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आकर रहेगा कोई बड़ा न्याय कोई बड़ा जस्टिस भी आपके साथ होगा जो चाहते हो वो लाइफ में पाओगे कहाँ ना ग्रेटिट्यूड करते थकोगे नहीं अभी से ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ये थैंक यू सो मच मालिक आई लव यू सो मच वाकई में मेरे कल होंगे गाइस देखना है ना वाकई में मेरे कल होंगे ना हो तो बता देना और जिस दिन होगा ना सबसे पहले मेरी याद आएगी <laughs> कि रीडिंग में कितनी बार कहा था कि ऐसे समय पर मेरे कल होगा जब उम्मीदें पूरी टूट जाती है ना इस वजह से कहा है कि पोटली मालिक को दे दो जितना हो खुद को हील करने की कोशिश करो और जितना अपने पर ध्यान दोगे ना क्या कह रही हो जितना अपने पर ध्यान दोगे खुद खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना ये मेरे कल उतनी जल्दी आएगा अगर ये दो दिन में आता होगा ना ये एक दिन में आएगा और जितना ज़्यादा प्यार आप अपने पर बरसाओगे ठीक है ख़ुद को खुश करने की कोशिश करोगे ये एक दिन में आता हुआ मेरे कल एक घंटे में आएगा ये आपका आपके प्रति प्यार और आपका आपके प्रति जो रेस्पेक्ट है ना ये मेरे कल को जल्दी आपकी लाइफ में लाने के लिए इनवाइट करेगा अब यह आप पर डिपेंड करता है कितना जल्दी चाहते हो आप अपनी लाइफ में मेरे कल मैंने तो रास्ता बता दिया जो मालिक ने मुझे कहा ठीक है ना जी तो कोशिश करना खुद को हील करने की ठीक है ना मैंने शेर हर परिस्थिति में हिम्मत रखी है ये भी करके दिखाओ ताकि मेरे कल जल्दी आए आपके लाइफ में ठीक है ना जी तो गाइस ये थी आज की रीडिंग आई होप आपको पसंद आई है अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाय